फ्रेंड्स, इस वक्त हमें पचमढ़ी के बी फॉल पर पचमढ़ी का सबसे ऊंचा झरना और इसे देखकर आपको जरूर बाहुबली मूवी की याद आ गई होगी। हालांकि बाहुबली में जो झरना बनाया गया था वो आर्टिफिशियल था, लेकिन ये है 100% ओरिजिनल। और यहाँ पर आप दिन में ही इंद्रधनुष के दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के खूबसूरत नज़ारे, प्राकृतिक नज़ारे जो आपके दिल को खुश कर देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, पचमढ़ी टूर जंगल सफारी के लिए हमने जो जिप्सी बुक की थी वो हमें यहाँ तक लाकर छोड़ेगी। और देखिए, यहाँ पे सारी जिप्सी पार्क हो गई हैं। यहाँ से हमें पैदल चलकर जाना होगा बी फॉल के लिए। लेकिन अगर आप ये जिप्सी बुक नहीं करते, आप हमें प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल का यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। आपको यहाँ तक आने के लिए एक्स्ट्रा 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा, और इसके बाद बी फॉल तक जाने के लिए अलग से पैदल आपको चलना होगा। लेकिन अगर आप जिप्सी से आते हैं तो जिप्सी आपको यहां तक लाकर छोड़ देगा। इसके बाद जो है बी फॉल जाने के लिए हमें इन सीढ़ियों से होते हुए आगे पैदल जाना होगा। फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, जो आदेश जारी किया गया है, इसके संबंध में आपको बताना चाहते हैं कि बी फॉल स्पेशली नहाने के लिए ही, एंजॉय करने के लिए ही फेमस था, लेकिन कोविड के चलते ये आदेश जारी किया गया है। हम सब दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और हम सब प्रकृति के इन नज़ारों का भरपूर आनंद ले सके। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे रास्ते में देखने को मिलेंगे, तो एक ऐसे ही स्पॉट पर हम पहुंच चुके हैं जो कि बी फॉल जाने के रास्ते पर ही आता है। और सामने आप जो ये पतली सी सकरी सी नदी या झरना देख रहे हैं, यही आगे पहाड़ियों से नीचे गिरता हुआ बी फॉल का निर्माण करता है। और इसी पानी को झरने के रूप में गिरते हुए हम बी फॉल के नाम से जानते हैं। और यह इस तरीके से रास्ते में एक और सुंदर झरने का निर्माण करता है। सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही शानदार लोकेशन आप कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपकी सारी थकान मिट जाएगी। चलिए आपको पास से दिखाते हैं ये नज़ारे। ये देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल यहाँ पर बना हुआ है। यही पानी आगे जाकर बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता है और बी फॉल बनाता है, और इसी को रास्ते में बहुत ही खूबसूरत रूप दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पानी आगे इस तरीके से पहाड़ों के बीच से बढ़ता हुआ आगे जाके बी फॉल का निर्माण करता है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे जंगलों के बीच से, और कुछ ही दूरी पर हम देखने वाले हैं बी फॉल। फिलहाल आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस झरने के इस पोर्शन को आर्टिफिशियली रूप से डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आगे जो आप बी फॉल देखने वाले हैं वो पूरे तरीके से नेचुरल है, उसे बनाया नहीं गया है। वो प्राकृतिक सुंदरता का एक नमूना है, बहुत ही खूबसूरत है, पूरी तरीके से नेचुरल है।
तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बी फॉल के सफ़र पर। यहाँ पर देखिए पहाड़ों के बीच में ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत ही सुविधाजनक ये सफ़र है, कुछ ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है, आप आसानी से बी फॉल तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि हम बी फॉल टूर पर जा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसे बी फॉल क्यों कहा जाता है। बहुत समय पहले यहाँ पर मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते पाए जाते थे और मधुमक्खियों के शुद्ध शहद के लिए ये स्थान बहुत फेमस था। मधुमक्खियों के नाम के ऊपर ही इसे नाम दिया गया है बी फॉल। तो फ्रेंड्स, ख़त्म हुआ इंतज़ार और हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन के पास। ये जो झरना आप देख रहे हैं यही है बी फॉल। हालांकि यहां से ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको लेकर चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं क्लियर एंड कंप्लीट व्यू ऑफ बी फॉल। आप देख सकते हैं पूरे आखिर तक ये सीमेंटेड सीढ़ियाँ बनी हुई है, कोई भी परेशानी आपको यहाँ तक पहुँचने में नहीं होने वाली है। बिल्कुल आसानी से आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ सकते हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो। बस सीढ़ियों में चढ़ते उतरते वक्त आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं स्पॉट पर और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इतनी ऊंचाई से ये पानी नीचे गिर रहा है, ये देखिए यहाँ से ये जलधारा नीचे गिरते हुए ये झरने का निर्माण करती है। रास्ते में जो हमने सकरी सी एक नदी झरना से देखा था, वही पानी ये ऊपर से गिरते हुए ये बी फॉल का निर्माण करता है। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये बाहुबली मूवी में इसी प्रकार का सीन था जो कि आर्टिफिशियल था, लेकिन ये कम्प्लीटली ओरिजिनल सीन है। दोस्तों, इन सीढ़ियों से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं। आप देख सकते हैं जितनी ऊंचाई से ये जलधारा नीचे गिर रही है, उतनी ही ऊंचाई से हम सीढ़ियों से होते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन इतने अच्छे तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि आपको पूरे सफ़र में ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि इतना लंबा सफ़र हमने तय किया है। दोस्तों, बेहद खूबसूरत नज़ारा, अद्भुत सौंदर्य है यह प्रकृति का। चारों ओर का व्यू कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना रौनक यहाँ पे बना हुआ है। 12 महीने 2400 घंटे यहाँ पर पानी लगातार गिरता रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कैसा भी मौसम हो, ये झरना कभी सूखता नहीं है। यहाँ की खूबसूरती हमेशा बनी रहती है और ये झरना आगे पहाड़ों से होता हुआ बहुत सारे कई सुंदर नज़ारे बनाते हुए आगे बढ़ते जाता है। ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, चारों ओर ये इस झरने को घेरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, मंडप जैसा ये लग रहा है ऊपर से देखने में, और हरियाली और जंगल की खूबसूरती से भरा हुआ ये सुंदर दृश्य, आनंद लीजिए आप। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बातें हम आपसे नहीं करेंगे, बस आप आनंद लीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का। लेकिन वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, बेहद खूबसूरत नज़ारे अभी देखने बाकी हैं जो आप देखेंगे। धरती पर ही इंद्रधनुष का नज़ारा भी आप देख पाएंगे इसी वीडियो में। चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। फ्रेंड्स, ये शॉट्स हमने झरने के ठीक नीचे खड़े होकर लिए हैं। कैमरे में भी पानी आ रहा है इस शॉट्स में, लेकिन आपको बेहतर तरीके से बेहतर व्यू देने के लिए हमने ये शॉट यहाँ से लिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों ओर से ऊपर से गिरता हुआ पानी, बेहद खूबसूरत नज़ारा आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने इस चैनल पर ऐसे ही खूबसूरत, रोमांचक, मनोरंजक और पर्यटन की वीडियो हम लाते रहते हैं। ये देखिए इंद्रधनुष का नज़ारा, धरती पर ही आप बिल्कुल सामने इंद्रधनुष देख पा रहे हैं।
क्लियर व्यू ऑफ रेनबो, ये पानी के फव्वारे से सूरज की रोशनी जब यहाँ पे पड़ती है तो ये इंद्रधनुष बनता है, जैसे आकाश में बनता है ठीक उसी प्रकार धरती पर बिल्कुल नज़दीक आंखों के सामने आप ये खूबसूरत नज़ारा इंद्रधनुष देख पा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। कोविड के चलते यहाँ पर अभी नहाना या फिर पानी में जाना मना है, लेकिन जब स्थिति सामान्य थी या स्थिति जब सामान्य होगी तो वापस से आप यहाँ पे नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर खड़े होने मात्र से शरीर की पूरी थकान मिट गई है दोस्तों, यकीन मानिए पचमढ़ी का सबसे खूबसूरत स्पॉट है यह। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।